दुनिया तुम्हारा टेस्ट लेती है, एक चैलेंज तुम्हारे सामने खड़ा करती, ये ले। तुम रोने लगते हो। नहीं, मैंने माँ कसम मैंने ऐसा नहीं, ऐसा ही किया है। मोदी को पैक कर देंगे, हिमालय भेज देंगे, ये सब स्क्रिप्टेड बोल रहे हैं जितना बोल रहे हैं। कितने सामान्य परिवार का आदमी तीसरी बार प्राइम मिनिस्टर बनने जा रहा है। अभी इटली के प्रधानमंत्री ने उनको बुलाया। हमसे एक लड़के ने पूछा प्रयागराज में कि अमीर कुछ समय बाद गरीब क्यों हो जाता है और गरीब कुछ समय बाद अमीर क्यों हो जाता है। मैंने कहा बहुत सिंपल, जिस दिन अमीरों के घर में विजडम मरना शुरू हो जाता है वो गरीब हो जाते हैं, और जिस दिन गरीबों के घर में विजडम पैदा होना शुरू हो जाता है वो अमीर हो जाते हैं। और विजडम देना किसी कॉलेज और स्कूल का काम नहीं है। अगर विजडम कोई कॉलेज और स्कूल देता ना, ये सारे पावरफुल लोग उस स्कूल पर अपनी मोनोपोली बना लेते, वहाँ उनके सिर्फ उनके बच्चे पढ़ते। फिर मोदी जी का क्या होता, फिर हमारा आपका क्या होता? हम तो सामान्य घर के लोग हैं, अति सामान्य। भाई बचपन में पढ़ने गए तो वो स्लेट वो वाली थी, तख्ती बोलते थे उसको, तो वहाँ से उठ के आए, पूरी दुनिया में घूम रहे हैं, कुछ भी उल्टा सीधा ये वो, परेशान। गांव वालों को मैं कोई ना कोई कहानी सुना देता, भैया स्पेन के जाते हैं। कोशिश बहुत की उन्होंने छेड़ने की, सबकी करते हैं वो, कोई ऐसा थोड़ी है। दिस वर्ल्ड विल ऑलवेज ट्राई टू डिस्ट्रैक्ट यू। इफ यू हैव अ टैलेंट, ओवरकम दैट डिस्ट्रैक्शन। That overcoming of distraction is called as talent. Percentage is not a talent. बड़ी सिंपल सी लाइफ है। चार्ली चैपलिन का नाम सुना ना? 53 years का था, उसकी गर्लफ्रेंड 18 years की थी, you know. शादी किया, 8 बच्चे पैदा हुए। अरे आज गूगल पे चेक कर लेना जाके बाहर, and the most happiest couple, चार्ली चैपलिन से मिलने आते थे लोग कि बाबूजी कौन से वैद से मिलते हो। 88 ईयर्स पे डेथ हुई थी चार्ली चैपलिन की, और वैसा आर्टिस्ट दुनिया में शायद ही कोई पैदा हुआ। मतलब जो आदमी अपनी बॉडी लैंग्वेज से बोलता नहीं था वो, मतलब एक आदमी है दुनिया में जिसके, मैं जब कभी थोड़ा सा अपने आप को मेंटेन करना होता तो उसके शोज देखता हूँ। मैं अभी रौनक आरजे रौनक के साथ बैठा हुआ था, तो मैं उसने कहा, मुझसे पूछते हैं कहा कि सर राजा बनने का क्या सिद्धांत है, तो चूंकि मैंने हिस्ट्री पढ़ रखी है और हिस्ट्री सिर्फ एक ही क्लास से डील करती है, किंग्स, ऐसे ऐसे लोग, इतने सामान्य घरों के लोग। एक तो हमारे प्रधानमंत्री है ही है, कितने सामान्य परिवार का आदमी तीसरी बार प्राइम मिनिस्टर बनने जा रहा है। कन्फर्म है, इटर्नली विक्टोरियस मोदी, ईवीएम दोबारा। अभी इटली के प्रधानमंत्री ने उनको बुलाया, न्योता दिया कि भाई अभी सम्मेलन होने जा रहा है, आप आइएगा। बोले हाँ एकदम आ रहे हैं, आप बताइए, आप सूट उठ से ला रहे हैं, चिंता करने कोई बात नहीं। यार इतने कॉन्फिडेंस से कौन कहता है यार? अपोजिशन तो ऐसे ही, अपोजिशन के पास कोई ग्राउंड नेता नहीं है जो लड़ना जानता हो, सब एसी वाले लोग हैं। हल्का सा एसी निकले बीमार पड़ गए, कोई लोहिया, कोई जयप्रकाश नारायण, इस टाइप का आदमी अपोजिशन में है ही नहीं। और ये अपोजिशन हम पे हमला भी कर रहा है, तो सबको बुलाए अपोजिशन को, ये सब उल्टा बोलना है वैसे ही बोलना है कि मोदी को पैक कर देंगे, हिमालय भेज देंगे, ये सब स्क्रिप्टेड बोलना है जितना बोल रहे हैं। ये तुम अपोजिशन बोल रहे हो, तुमको क्या लग रहा है ये लोग बोलेंगे? सबकी वही रखी हुई है इतनी मोटी मोटी, ये पैसा कहाँ से आया, ये पैसा कहाँ से आया। लेकिन ये बहुत बड़ा अचीवमेंट है, तुम नाक में उल्टी सीधी कॉन्सेप्ट अपने दिमाग में बिठाए हो। कोई मुझे बुरा ना कहे, मारे जाओगे, कोई मेरी बदनामी ना करे, अरे उसका धर्म है करना। देखो जितने लोग गरीब होते हैं या अमीरों की कहानियां सुनाते हैं, इनकी इन कभी इनके बीच बैठ के अमीरों की कहानियां सुनो, ये जितने ड्राइवर वाइवर होते हैं ये सब कहानियां सुनाते हैं, अरे ये बड़े घर की औरतें एक दूसरे से सब फंसी हुई है। तो तुम्हारी औरत मतलब भगवान, भगवान के बहुत सारे पुजारी होते हैं, भक्त होते हैं, भगवान के तो बहुत सारे भक्त, भिखमंगों का कौन भक्त होगा जो मांगने ही पहुंच रहा है 24 घंटा। अरे यही है, ही है। तुम देखो लड़का को किसी रेस्टोरेंट में बैठो, देखो लड़की के साथ अकेले लड़की को, कभी लड़के को डोसा खाते हुए देखो, हाथ वाथ से तोड़ के खाएगा, एकदम रस्टिक वे में रहेगा अकेले अगर है तो। और अगर लड़की साथ में बैठी तुरंत स्पून फोर्क, कभी कभी बताना पड़ता भैया गलत हाथ में पकड़े, इधर से पकड़ ला, काट नहीं पा रहे, चाकू दबा रहे, उसमें प्लेट उलट गई, लिक्विड वाला जो होता क्या बोलते उसको, सांभर जमीन पे चला गया। कैसे देखो सिविलाइज करती हैं लड़कियां,
तो मैंने एक दोस्त से पूछा कि सर ऐसा क्या है, क्या होता है कि एक आम घर का लड़का, इतनी लड़का लड़की कोई भी, इतनी ऊंचाई पे कैसे रास्ता सफर करता है। मैंने कहा बस एक चीज, शिक्षा तो सब लेते हैं लेकिन बहुत रेयर केस में किसी के पास, और जिसके पास हो गया उसको आप रोक ही नहीं सकते। खाना तो खाना है, तो जो विजडम विहीन आदमी है वो किसके लिए खाएगा? टेस्ट के लिए खाएगा। 4 किलो चिकन खा गए, 10-12 लीटर कोल्ड ड्रिंक पी गए, चाउमीन मोमोज, फिर 21 साल में डायबिटीज हो गई। 21 ईयर्स डायबिटीज मतलब खत्म। शुगर खाओगे नहीं, शुगर खाओगे नहीं एनर्जी बनेगी नहीं, फिर बचा क्या जिंदगी में जब एनर्जी बनेगी नहीं। लेकिन जिसके पास विजडम है वो हेल्थ के लिए खाएगा। खाना दोनों खाएंगे पर दोनों का अप्रोच अलग होगा खाना खाने का। दुनिया तुम्हारा टेस्ट लेती है, एक चैलेंज तुम्हारे सामने खड़ा कर दी, ये ले, और तुम लगे रोने, अरे हमको ऐसे बोल दिया, हमको तो चोर कह रहे थे। तो कितना प्राउड फील करना चाहिए, यार मैं नींद चुराऊं, मैं चैन चुराऊं, मैं नैन मिले तो मैं नैन चुराऊं, रोमियो नाम मेरा, चोरी है काम मेरा। तुम रोने लगते हो, नहीं मैंने माँ कसम मैंने ऐसा नहीं, ऐसा ही किया है, यही ये जो तुम इल्जाम लगा कह रहे हो ना, यही यही किया, यही तुम भागते हो, अननेसेसरली भागते हो, डिफेंस देते हो, मैं ये नहीं करता, मैं वो नहीं करता, और दुनिया तुम समझा लेती। तुम्हें घर में जाकर कह दिया कैंपस में गांजा पी रहा था, अब तुम कसम पे कसम खाए जा रहे हो, दोस्तों को बुला रहे हो, टेंशन में हो, किताब फाट डाले, नहीं करता हूं मैं ये सब, मैं करता हूं खत्म। तुम्हें कोई इसलिए थोड़ी चाहता कि तुम अच्छे हो। जब लड़का पहली बार घर से निकलता है ना, क्लास 10th 11th में, बाल वाल ठीक करके टाकिन टाकवाक करके निकलता, तो फादर को समझ में आता है, कहां समझ जाता है शिकार पे जा रहा है, पर वो कुछ बोलता नहीं। यही तो होता ना अनुभव की आंखें, कुछ चीजों से कभी मत भागना, नहीं तो पूरी जिंदगी परेशान रहोगे। अच्छे बनने की कोशिश मत करना, कभी अपने आप को कुछ साबित मत करना कि मैं झूठा नहीं हूं, मैं झूठा ही हूं। अपनी कीमत इतनी बढ़ाते चले जाओ पर डे, बस उसी पे काम करो कि तुम्हारे बिना भगवान भी मर जाए, भगवान को तुम्हारी जरूरत पड़े कि फला आदमी को लेकर आओ।